तगड़ा एक किसान था, नाम था रन्ना। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। वो प्रतिदिन एक झरने से पानी भरकर लाता था। झरना उसके गांव से दूर था। किसान ने एक दिन लेह के दोनों छोरों पर रस्सियों के सहारे दो घड़े बांध रखे थे। उनमें से एक घड़े में छेद था जिसमें से पानी निकलता रहता था। इस कारण घर तक पहुंचते पहुंचते किसान के पास डेढ़ घड़ा पानी ही बच पाता था। प्रबुद्ध घर को इस बात का घमंड था कि वह पूरा का पूरा भरा हुआ घर पर पहुंचता है। छेद वाला घड़ा यह सोचकर दुखी हो जाता था कि किसान आधा घर पानी ही घर पर ला पाता है। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, शायद आप नहीं जानते कि मुझ में एक छेद है। इस कारण मुझे जितना पानी घर पर पहुंचना चाहिए उसका आधा ही पहुंचा पाता हूँ। मुझे दुख है कि मेरे छेद के कारण प्रतिदिन पानी बर्बाद होता है। किसान मुस्कुराया और बोला, मैं चाहता हूँ कि घर लौटते समय तुम अब रास्ते अपने और पड़ने वाले फूलों को ध्यान से देखो। छेद वाला घोड़ा ने वैसे ही किया। वह रास्ते भर फूलों को देखता आया। खिले हुए सुंदर फूलों को देखकर उसका चेहरा खिल उठा था। घर पहुंचकर किसान ने उससे कहा, मैं जानता था कि तुम में एक छेद है। मैं तुम्हारी इस कमी का लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुमने रोज उन्हें सींच कर पूरा रास्ता को खूबसूरत बना दिया। वह फूल तुम्हारे कारण ही खिलखिला रहे थे। छेद वाला घड़ा अब समझ चुका था कि उसे अपने खोट पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। अनजाने में ही सही वो नेक काम कर रहा था। साबुत घड़े ने उनकी बात सुन रहा था। वो बोल पड़ा, काश मैं भी जीवन में कोई नेक काम कर पाता। किसान ने दोनों घड़ों को समझा, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर हमें उस और ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम ऐसा काम करेंगे जिससे स्वयं भी प्रसन्न हुए और दूसरों को भी खुशी मिले।